नमस्कार सभी को, यूथ रीच ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सतीश कुमार है। आज हम दसवीं कक्षा के गणित विषय पर बातचीत करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा अध्याय सात में प्रश्नावली 7.1 का चौथा सवाल। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, -4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, कोई भी दो भुजा, एसी बराबर है एबी या एबी बराबर है बीसी, कोई भी दो भुजा जिसकी समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए सवाल सॉल्व करते हैं। क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? ए, ए के निर्देशांक है 5, -2, बी के निर्देशांक है 6 और 4 और सी के निर्देशांक है 7 और -2। सबसे पहले हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र होता है अंडररूट x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हमारे पास x2, x1, y2, y1। जब हम AB की दूरी निकालेंगे तो AB में x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 4। चलिए इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। x2 कितना है 6 -5 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 और इसका होल स्क्वायर। 6 में से 5 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और एक भी हमारे पास आया अंडररूट 37। नेक्स्ट हम निकालेंगे बीसी। जब हम बीसी निकालेंगे तो x1, y1, x2 और y2 को हमें चेंज करना है। अब ये x1 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा और -2 y2 हो जाएगा। बीसी बराबर सेम फॉर्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सात में से 6 को माइनस करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस ये -2 है, ये -4 है, -6 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 होता है, -6 का स्क्वायर 36 होता है। अब हमारे पास बीसी कितना आएगा अंडर रूट
37। अब हम एसी निकालेंगे। अब एसी निकालेंगे तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू को चेंज करना है हमें। एक्स वन की वैल्यू 5 है, वाई वन की वैल्यू -2 है, एक्स टू की वैल्यू 7 है और वाई टू की वैल्यू -2 है। एसी बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई टू -2 है माइनस, अब ये माइनस इसकी वैल्यू -2, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 का 4 हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस 0 रहेगा अंडर रूट 4 बराबर 2। तो एसी कितना है हमारे पास 2। देखिए अभी हमें बताया कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है उसकी दो भुजा बराबर होती है। चेक करेंगे एक भी बराबर है अंडर रूट 37, बीसी बराबर है अंडर रूट 37 और एसी बराबर है 2। चलिए हम लिख देते हैं ए बी बराबर अंडर रूट 37, बीसी बराबर ये भी अंडर रूट 37 है और एसी बराबर 2। क्या ये जो त्रिभुज यहाँ पर बनाया हुआ है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें से दो भुजा बराबर है? हाँ, ए बी और बी सी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर है बी सी, इसलिए बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आशा करता हूं यूथरीच ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको गणित विषय समझने में आसानी हुई होगी। आपसे उम्मीद है इस विषय पर आप अपने सवाल जरूर रखें ताकि हम इस विषय को और अच्छे से समझा सकें। धन्यवाद।